एक अच्छे कारण से एक अच्छा अवार्ड हो रहा है, हमेशा मतलब सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे मौके पे मैं हूँ। जनरली पता ही नहीं चलता है, लोग तो आजकल बहुत जागरूक हैं, ऐसा कुछ बहुत हर जगह हो रहा है, मगर ऐसी जगह पे होना हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वृंदा जी को और मार्क को कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे। मैं हमेशा मतलब वृंदा के इवेंट से एक लंबे अरसे से जुड़ा रहा हूँ, और जिस शिद्दत से ये अपने मतलब हर काम को करती हैं ना, जितने भी इवेंट हैं इनके, तो आपको मज़ा आता है शुरू से एंड तक, मतलब बोरिंग बिल्कुल नहीं होता है, और एक कॉन्सेप्ट के साथ करती हैं, इनके लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनके इवेंट को मिस करना सच में एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा है। ऑल द बेस्ट जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको, उनके किसी न किसी खास कारण से, उनके खास गुण के वजह से उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप इसके पात्र हैं। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर शेयर? हाँ जी, एक मूवी कर रहा हूँ एज एन एक्टर, और अपार्ट ऑफ दैट जो गाने हैं मेरे, जिसके कारण थोड़ी बहुत जो लोगों का मुझे प्यार मिलता है, वो कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ एज अ लिरिसिस्ट, तो थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी सॉरी।